नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, दिग्गज एक पेनी स्टॉक था, अभी मैं पेनी स्टॉक अभी भी है, मगर इस कंपनी का जब 7 रुपीज चल रहा था तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, और अभी तो 60 के ऊपर इस कंपनी का प्राइस रेंज चल रहा है। तो एक जबरदस्त कंपनी है, टेक्सटाइल से बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे बिजनेस है इस कंपनी का, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना के रखा था और आज भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने Q3 का रिजल्ट आज के दिन पब्लिश किया। तो Q3 का रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसके ऊपर आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट किया है। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए क्या करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर के लिए आपके लिए आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे नया इन्वेस्ट करेंगे कि होल्ड करेंगे, तो इस तरीके से क्या करना चाहिए उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी जो है आप पहले देख चुके हैं, ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट का जो न्यूज़ है, आज के दिन का जो न्यूज़ है वो Q3 का रिजल्ट, और Q3 का रिजल्ट 1 घंटा पहले ही आ चुके थे, और यहाँ पे देख सकते हैं Q3 का जो रिजल्ट है शानदार रिजल्ट गया। कंपनी कंपनी यहाँ पे देखिए 88% का जंप, प्रॉफिट भी जंप हुआ, 211 करोड़ का प्रॉफिट जंप। तो शानदार यहाँ पे प्रॉफिट के शानदार इसे जाम देखने को मिला। मुझे लगता है कल के दिन इस कंपनी में अच्छा खासा एक तेजी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कल के दिन तेजी हो बाद में तेजी हो उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर बात करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, जब इसका प्राइस रेंज 20 रुपीज था तब भी आपको बोला था, और जब 30 रुपीज था तब भी बोला था, और अभी तो फिलहाल 60 रुपीज चल रहा है, तो अभी भी बोलूंगा इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए। देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बहुत शानदार है। तो सबसे पहले कंपनी Q3 में किस तरीके से रिजल्ट किया उसके ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसी के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे पहले जो कलम है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा PDF फाइल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख के दूंगा तो आप एक बार सोच लेना। तो टोटल जो फिगर है वो मिलियन में है, ठीक है? तो मिलियन हो, करोड़ में हो, लक्ष में हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ फिगर देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दिसंबर क्वार्टर, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे Q3 में लिख के देता हूँ, और यहाँ पे जो कलम है वो Q2 मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट सेप्टेम्बर का, और यहाँ पे Q3 पिछले सालों का Q3 का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे रखा गया है, तो आप देख सकते हैं पहले जो कलम है यहाँ पे देखिए कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी किस तरीके से इनकम किया, किस तरीके से रेवेन्यू कमाया उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले देखिए 19,836, मैं एक बार लिखना चाहता हूँ 19,836, तो इस मिलियन का टोटल इनकम हुआ है। और यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे जो फिगर है वो 17,000 मान के चलिए, 17,000 मान के चलिए यहाँ पे टोटल इनकम हुआ था पिछले क्वार्टर में, और पिछले सालों में क्या था 13,000 था, 13,000 मान के चलिए इनकम था। तो 13,000 मिलियन, 17,000 मिलियन, 19,000 मिलियन, तो ओवरऑल बात करूं तो इस क्वार्टर में जबरदस्त कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू जेनरेट हुआ है उसके साथ अदर इनकम भी है, तो टोटल कुल मिलाकर टोटल जो इनकम है जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद बारी आती है कंपनी के एक्सपेंस की, एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 16,730 इसका एक्सपेंस हुआ, और पिछले क्वार्टर में कितना था 13,877, और पिछले साल में क्या था 11,577। तो ओवर बात करूं जिस तरीके से इनकम भी हुआ उस तरीके से कंपनी ने एक्सपेंस भी किया, क्योंकि देखिए इनकम हुआ 19,800 मिलियन का, और एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ है 16,700 का। तो ओवरऑल बात करूं तो एक्सपेंस भी उतना अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद बारी आते हैं कंपनी का टोटल टैक्सेस की। देखिए यहाँ पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा, इस तरीके से टैक्स को पे करना पड़ा। उसके बाद टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया प्रॉफिट वो आपको देखना चाहिए। देखिए टैक्स पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ। यहाँ पे मैं आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी दिखा दूँ और नेट प्रॉफिट के बारे में दिखा दूँ आफ्टर टैक्सेस का, वो तो देख लीजिए 2,110 मिलियन, मतलब 210 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, और पिछले क्वार्टर में कितना था 200 मतलब 2000 सॉरी 234 करोड़ बोल सकते हैं आप, पिछले सालों में क्या था 112 करोड़। तो फिगर देख लीजिए,
पिछले सालों की कंपैरिजन में देखा जाए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से या फिर क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो इसी के लिए मुझे आज के दिन का जो इसका जो परफॉर्मेंस है उसी लिए आज के दिन यहाँ पे स्लोअर सर्किट देखने को मिला। देखिए एक अंदाजा पहले जितने सारे एनालिसिस्ट है उसको मिल जाता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, साथ ही साथ इस कंपनी में किस तरीके से प्रॉफिट और अर्निंग किया है। तो उसके हिसाब से पहले इसको एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी ने प्रॉफिट तो जरूर किया मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी प्रॉफिट उतना अच्छा खासा नहीं किया। तो इसी का नजरिया आज के दिन देखने को मिला। कल कल भी मुझे लगता है थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ है वो उतना खास नहीं हुआ है पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो पिछले सालों से अभी देखिए पिछले सालों का जो अर्निंग था, अर्निंग ईपीएस जो था 0.22 रुपीज था, और पिछले क्वार्टर का था कि देखिए 40.47 था, और यहाँ पे क्या हुआ 0.42 हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर भी पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा कम देखने को मिला, मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो डबल आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो प्रॉफिट भी डबल हो चुके हैं और अर्निंग पर शेयर भी डबल हो चुके हैं। मतलब कंपनी का एक पॉजिटिविटी है और एक नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था मगर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। देखिए हर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट करते हैं, उस एस्टीमेट के मतलब क्या है पिछले सालों के कंपैरिजन भी से देखा जाए तो अच्छा होना चाहिए और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखेंगे तो अच्छा होना चाहिए, मगर यहाँ पे जो डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट डाउनफॉल है। तो इसी का नजरिया आज के दिन मार्केट में देखने को मिला, और आज के दिन तो मार्केट में भयंकर गिरावट हुआ था, करीबन निफ्टी 1% गिरावट हुआ। तो इसीलिए शायद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ और साथ ही साथ सारे के सारे कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और आप इस कंपनी के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस कल के दिन भी रहेगा क्योंकि मुझे लगता है ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट कम किया है। तो इसलिए एक एस्टीमेट मिसिंग हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा, फिर से डाउन मतलब लोअर सर्किट देखने को भी मिल सकता है। तो आपके लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं है, अच्छा खासा है, लॉस नहीं किया कंपनी, प्रॉफिट जरूर किया पिछले सालों से कंपैरिजन में भी प्रॉफिट अच्छा खासा किया। तो कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करो, देखिए हर साल में कंपनी का रेवेन्यू एक अच्छा खासा लेवल में चल रहा है, एक लेवल में देखिए 4,500 इसी लेवल को पकड़ के चल रहा है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा डाउन मगर इसी लेवल का पकड़ के चल रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा चल रहा है। तो करीबन करीबन यहाँ पे देखिए 336, 265, 371, 343, 303, मतलब 300 को क्रॉ 300 को ही पकड़ के चल रहा है कंपनी। तो कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो चुके हैं, बहुत कम। पहले तो 2017 में, 18 में, 19 में जबरदस्त था, मतलब उसके कंपनी के अर्निंग के हिसाब से जबरदस्त था। अभी फिलहाल इसका अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी खराब नहीं है, कंपनी के हिसाब से खराब नहीं है, अच्छा खासा देखने को मिला। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कर्जा है मगर उतना ज्यादा नहीं, 0.45% कर्जा है, और कंपनी देखिए यहाँ पे जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है 73% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास देख लीजिए, एफआईएस के पास भी माल है 2.48%, और डीएस के पास कितना माल है 1.89%, और बाकी सारे के सारे पब्लिक के पास आपको देखने को मिला है 20%। क्योंकि देखिए एफआईएस और डीएस इस तरीके से कंपनी में ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते क्योंकि एक छोटा मोटा कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है, जो इस टाइप कंपनी भयंकर गिरावट भयंकर तेजी हमेशा दिखाते रहते हैं। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, देखिए आपको एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो ऑब्वियसली आप देखेंगे 23% तक रिटर्न दे चुके हैं, और एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 300% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 936% का रिटर्न दे चुके हैं, मैक्सिमम रिटर्न आपको दिखा दूं तो 12,000% से भी रिटर्न आपको दे चुके हैं। देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा है। देखिए कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी खराब नहीं है, हर साल में हर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कर रहा है, साथ ही साथ देखिए
2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिस टाइम से मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा हूँ तब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से भी नीचे था, अभी तो डबल हो चुके इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कंपनी धीरे धीरे खुद को बढ़ा रहा है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार है, कंपनी बहुत सारे फील्ड में काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ टेक्सटाइल बिजनेस का इसका मेन बिजनेस है उसके ऊपर जोरदार फोकस करके काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए, और मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ, करीबन 7 रुपये से मैं निवेश करके रखा हूँ, अभी भी होल्ड करके रखा हूँ, मगर मैं छोटा मोटा इन्वेस्ट किया हूँ, पहले बता देता हूँ, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि पेनी स्टॉक में मैं ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि इस टाइप स्टॉक में वोलाटिलिटी बहुत है और कभी भी स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, छोटा मोटा कंपनी है, जब कंपनी बहुत बड़ा हो जाएगा, लार्ज कैप बन जाएगा, तब इसके ऊपर ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, तो आप भी इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार स्टडी कर लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। तो कंपनी खराब नहीं है, एक एक इस बात का क्लियरिटी मैं आपको दे देता हूँ। तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन टोटली मैं आपको दे चुका हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।